हमास और इसराइल के बीच जारी जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही मध्य एशिया में टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल ने ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब 25 दिन बाद दिया है, जिसके तहत इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर रॉकेट बरसाए हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल ने पहले ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, फिर मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाते हुए रॉकेट बरसाए। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के अलावा सीरिया और इराक को भी निशाना बनाया है। ईरान के नागरिकों ने हमले के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। पश्चिमी तेहरान और पास के शहर करज में विस्फोटों के बाद लोगों में हड़कंप मचता दिख रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली हमले से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बन गए हैं। ऐसे में ईरान, इराक और इसराइल तीनों ने ही अपना इस एयर स्पेस बंद कर दिया है और अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हमले के बाद इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब उसका मिशन पूरा हो गया है। इसके बावजूद अगर ईरान अब कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है तो हम हर तरह से तैयार हैं। IDF के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लगातार इसराइल के खिलाफ महीनों से हमले कर रहा था। इसके जवाब में अभी इसराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। दुनिया के हर दूसरे संप्रभु देश की तरह इसराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। हमारी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताएं पूरी तरह से सक्रिय हैं। हम इसराइल और इसराइल के लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाएंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइली हमले 3 चरणों में किए गए। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि अमेरिका ने भी ईरान को पलटवार न करने के लिए कहा है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रतिक्रिया अनुपातिक थी। हमने ईरान को संदेश भेजा कि अगर वह जवाब देता है तो हम इसराइल की रक्षा करेंगे। ईरान में सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमले लक्षित हैं और अनुपातिक प्रतीत होते हैं। अब उनके बीच गोलीबारी का अंत हो जाना चाहिए। वहीं अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान में हुए धमाकों से अवगत है। तेहरान में सुरक्षा सूत्रों ने IRIB को बताया है कि वे धमाकों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जॉर्डन, इराक और सीरिया के ऊपर अमेरिकी और इसराइली लड़ाकू विमानों को उड़ते हुए देखा गया है। बता दें, ईरान ने इस महीने की शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में अब इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।